माँ मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ माँ। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, ऐसा मत बोल। अगर तू चला गया तो तेरी बीवी भी मुझे ऊपर भेज देगी। माँ जाने से पहले अपनी अंतिम इच्छा नहीं बताओगी? अरे जा तो तू रहा है, ये डायलॉग्स तो मेरे हैं। तेरे पापा प्रोड्यूसर है तो क्या सारे डायलॉग्स तू ही बोलेगा? सॉरी माँ, माँ मुझसे मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूछोगी? अच्छा अबे और ढक्कन सर हटा। मेरे लिए वही गाना गा दो जो बचपन में तुम मुझे सुलाने के लिए गाती थी। पिया तू अब तो आ जा। नहीं माँ सो मत जाना। माँ मेरी एक और अंतिम इच्छा है। अच्छा 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 बता क्या है तेरी आखिरी अंतिम इच्छा? माँ मुझे बहुत मच्छर काट रहे हैं माँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मा भगवान के पास अपना बदन खुजलाते जाए। माँ क्या थॉट है? जल्दी ये ले मच्छर भगाने वाली जापानी टेक्नोलॉजी से बनी है अगरबत्ती। मैं जा रहा हूँ माँ। बेटा माँ ऐसा मत कर मेरे बच्चे। नहीं। अभी आपने देखा हमारा कार्यक्रम माँ बेटे का दर्द भरा लफड़ा। आज का सवाल, माँ ने बेटे को कौन सी मच्छर अगरबत्ती दिखाई? मच्छर अगरबत्ती का नाम और उसके साथ एक स्लोगन लिखकर भेजिए और बदले में जीतिए एक शानदार चमचमाती कार। एक 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 चमचमाती सी कार। बस प्रोग्राम का यही हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा। ए चुप ढक्कन, कागज और पेन लेके आ जल्दी से। हाँ मच्छर अगरबत्ती का नाम है फाइटर मच्छर अगरबत्ती। ये स्लोगन कुछ थोड़ा सा बना हुआ है। अरे बाबा स्लोगन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना की जवाब, समझे? अरे यार इसकी खुशी के लिए इसकी पसंद का स्लोगन लिख देते ना। बोल बेटे बोल। फाइटर मच्छर अगरबत्ती, मैं नहीं अपनी पत्नी का पति, अगर ये गुल न कर दे मच्छरों की बत्ती। ये ले। ठीक है मामा, ये रहा स्लोगन और ये रहा मेरा लेटर। करेक्ट। हाँ। अब आप देखिए, यू हमारा जवाब गया और यू हमारी कार आई। मामा जी कौन आ गया? अरे इसमें चीनी नहीं डाली क्या? मामा जी वो आ गए। कौन आ गए? वो हाँ। आप ठीक है? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं गुल्लू, माँ बेटे का दर्द भरा लफड़ा सीरियल का प्रोड्यूसर। अच्छा अच्छा, लेकिन आप यहाँ कैसे? कोई लफड़ा पुनी? नहीं, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देने आया हूँ। आप लोगों को पहला इनाम मिला है और इनाम के रूप में मिली है गाड़ी। गाड़ी? अरे बेटा कहाँ है गाड़ी? आई आई चलिए। एक मिनट एक मिनट, यह चाबी देते हुए। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। आइए लीजिए ना मेरा कार्ड। कभी आइए फुर्सत से, गप्पे शप्पे होंगे। प्रोड्यूसर जा, जो कुछ भी हो। क्यों गाड़ी दी है आपने? अरे इसका पेंट वो जी, बस ये समझिए कि अभी फैक्ट्री से निकाल के लाए। ताजी। इस गाड़ी की स्पेशलिटी क्या है? ये हवा से बातें करेगी ये गाड़ी। अच्छा अच्छा, क्या क्या बातें करेगी? बहुत सारी बातें करेगी। और इस गाड़ी का रिकॉर्ड है कि 6 घंटे के अंदर नई दिल्ली पहुंचा देगी। 6 घंटे के अंदर नई दिल्ली, वाह क्या स्पीड है। और माइलेज क्या देती है? माइलेज बोले तो 20 का माइलेज। अरे वाह सुपर्ब। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय। ग्रेट मैन, ग्रेट कार बाबा। अभी चलाइए। यार ये क्या कर रहे हैं आप? अरे गाड़ी चला रही है। क्या कार जा रहे पीछे नहीं आ गए?
अकेले अकेले चले गए, आने दो उन लोगों को, एक एक की खबर लूंगी मैं। अबे ए क्या हुआ? अकेले अकेले मजे लेने चली गई, इतना भी नहीं सोचा कि दीदी को साथ ले जाए। मजे? डांटो नहीं, देखो ना कितना हाँफ रही है। ये खुशी का हाँफना है, खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे खुशी का हाँफू। खुशी? हाँ दीदी, पहले ही दिन में वो गाड़ी इतनी बड़ी खुशी दे गई कि हमसे संभाले संभली नहीं जा रही। सच? हाँ, बाहर जीजू और मामा जी उस खुशी को संभाल रहे हैं। क्या बे, एक ढाई किलो की कार नहीं धकेली जा रही तेरे से? ढाई किलो की कार को धक्का मार सकता हूं मैं, लेकिन कार के अंदर जो 250 किलो का कार वहां बैठा है उसको धक्का कैसे मारूं? क्या? कैसी है कार रे? ये बिल्कुल तेरे बाबू मोशाई की तरह है रे, जैसे वो धक्के मार मार के डायलॉग बोलते थे ना, ऐसे ये धक्के मार मार के चलती है। लेकिन हुआ क्या आखिर, बताओ तो सही। पहले दिन ही इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? वो कैसे? हुआ ये कि एक बैलगाड़ी जो है हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तो हमें भी गुस्सा आ गया। हाँ। हमने भी स्पीड बढ़ा दी। हाँ। आप आगे आगे आगे, बस 2 किलोमीटर तक हमारी रेस होती रही और फाइनली बैलगाड़ी और हमारी गाड़ी की टक्कर हो गई। क्या मामा जी, बैलगाड़ी अपनी कार को ओवरटेक करके चली गई? आप अपनी गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे थे? ले धीरे चला रहे थे? अरे हम इस गाड़ी को फुल स्पीड पे चला रहे थे, बल्कि रघु तो एक्सीलेटर के ऊपर आलती पालती मार के बैठा ही हुआ था। हम लोग यूं जा रहे थे और हर वक्त हमारी गाड़ी बैलगाड़ी से आगे ही थी। बैलगाड़ी? हाँ, बैल। मामा ये कार तो बेकार है, हमें इस कार को उस प्रोड्यूसर को वापस करनी होगी और इसकी जगह एक दूसरी अच्छी वाली कार लानी होगी। हाँ हाँ, लाएंगे लाएंगे, जरूर लाएंगे ना। मामा जी आप एक काम कीजिए, आप स्टेयरिंग पे बैठिए और धक्का मारेंगे आपके प्रिय भांजे रघु शुक्ला। मैं क्यों धक्का मारूंगा? रघु, स्लोगन तुम ही ने लिखा था, धक्का भी तुम मारोगे? हाँ तो डबिंग करवा लो ना यार, और सुनो कन्विंस मत देना। आइए 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 मामा जी आइए। अकेले आए क्या? जी नहीं, एक आधी लाश और एक पूरी लाश साथ लाया हूँ। आधी लाश और पूरी लाश? आधी लाश मेरा भांजा रघु, रघु, और पूरी लाश आपकी दी हुई गाड़ी। ये रही आपकी पूरी लाश की चाबी। बैठो। आपको गाड़ी पसंद नहीं आई क्या? ये रघु, ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, बैठ जाइए। देखिए बहुत पसंद आई गाड़ी। क्या वो गाड़ी आपने हमें भानुमती के पिटारे से निकाल के दी थी? आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? हम लोग कहना चाह रहे हैं कि वो गाड़ी नहीं, गाड़ी के नाम पे एक गंदा मजाक है। आपने हमारी कोमल भावनाओं के साथ गंदा खिलवाड़ किया है। मेरे हाथ गंदे करने के जुर्म में मैं आपको गंदी सी जेल भिजवा सकता हूँ, जहाँ एक गंदा सा हवलदार आपसे गंदी सी चक्की पिसवाएगा। ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। एक बार चलाकर ही उस गाड़ी की सारी असलियत हमारे सामने आ गई। आप तो कह रहे थे कि गाड़ी हवा से बातें करेगी। जी बिल्कुल सही कह रहा था। वो तो दरअसल में क्या है कि उसके साइलेंसर में कुछ प्रॉब्लम है, वो हमने टेम्परेली उसको ठीक करवा दिया है, लेकिन एक बार उसे दोबारा खराब होने दीजिए। अजी बातें क्या, चीखेगी चिल्लाएगी वो कार। और आप तो कह रहे थे कि वो 6 घंटे के अंदर बॉम्बे से दिल्ली पहुंचा देगी। नहीं 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 नहीं, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि 6 घंटे के अंदर वो बॉम्बे से दिल्ली पहुंचा देगी। मेरे कहने का मतलब था कि 6 घंटे के अंदर वो पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली पहुंचा देगी। वाह, इतने गुणों वाली लड़की, इतने गुणों वाली कार आपने हमें दे तो दी, अब ये भी बता दीजिए कि वो माइलेज वाली बात सही है या गलत। 100% सही है। मतलब 1 लीटर में 20 किलोमीटर माइलेज देती है ना? ए, ए, ए भाई थम थम थम, मैंने कभी भी नहीं कहा कि 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है। मेरा कहने का मतलब था कि 20 लीटर में 1 किलोमीटर चलती है। हो गया ना 20 का एवरेज? हो गया, बराबर हो गया। तो ये लीजिए चाबी और फूटिए यहाँ से। ना आपको हम दूसरी गाड़ी दे सकते और ना ये वापस ले सकते। चलिए चलिए मामा। हाँ चलिए। अरे वो देख लड़की। हाँ, रोकिए 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 गाड़ी रोकिए। हाँ जी हाँ, हाँ जी कहिए कहिए। मुझे लिफ्ट मिलेगी प्लीज? हाँ 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 मिलेगी। कहिए कहाँ तक जाना है आपको? बस यहीं तक। यहीं तक मतलब? बस यहीं पुणे तक। हाँ?
पूना तक बस। आइए आप बैठिए, आगे बैठिए। नहीं नहीं आप मेरे साथ पीछे बैठिए। अरे आगे बैठिए, ये रास्ता बताएंगी ना पूना का? नहीं नहीं, आइए आइए, प्लीज प्लीज प्लीज, रास्ता पीछे बैठ के भी बता सकती है ना? आगे से आराम से बता पाएंगी ना? बैठिए 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 बैठिए। हेलो हेलो मामा जी, आप लोग हैं कहाँ? बेटा हम हम कहाँ हैं भाई? रघु कहाँ हैं हम? हम कुछ पूना से 2 किलोमीटर पीछे हैं। हम बेटा पूना से कुछ 2 किलोमीटर पीछे हैं। पूना? अब पूना में क्या कर रहे हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, ये बहुत दर्द भरी कहानी है। वो हुआ एक 80 साल के बुड्ढे ने हमसे लिफ्ट मांगी तो हमें उसे छोड़ने के लिए यहाँ आना पड़ा। ओफो मामा जी, तो आप वापस आ जाइए ना। अरे वापस कैसे आए, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो कुछ तो इंतजाम कीजिए। अरे बेटा सब इंतजाम कर लिए, गाड़ी की सीट बेच दी, सीट कवर बेच दिया, गाड़ी के स्टपनी बेच दिया, यहाँ तक कि अपने चश्मे का कवर भी बेच दिया। अभी रघु की शर्ट बेचने की नौबत आ गई है क्योंकि हमें भूख भी बहुत लगी है। अरे हमारे साथ जो मुसाफिर थी उसकी सैंडल तक बेच दी। मुसाफिर थी सैंडल? अब बेटा 80 साल के बुड्ढे को थी कहो या था कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सुन देख, हम यहाँ तक पहुँच तो गए हैं लेकिन हमारे पास वापस आने के लिए पैसे नहीं है। ओहो तो कोई बात नहीं ना, मैं आपको लेने आ जाती हूँ। आप लोग हैं कहाँ? बेटे हम लोग पूना बॉम्बे हाईवे पे हैं और वहाँ पे वो बोर्ड लगा होगा पूना 2 किलोमीटर। अरे इतना क्यों हंस रही हो निक्की? जीजू को देखो पीछे, जीजू को देखो। बाबू मोशाय, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा। प्लीज प्लीज कोई इस गरीब का मजाक ना उड़ाए, इसे अपनी शर्ट बेचनी पड़ी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए। वाह 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 मामा जी, ये गाड़ी ना वाकई किसी शहीद की प्यासी भटकती हुई आत्मा है। अरे कितना पेट्रोल पीती है, जितने पैसे लेके गई थी सारे रास्ते में खत्म हो गए। लेकिन ये शर्ट बेचने का सम्मान जो है रघु साहब को ही क्यों दिया गया भाई? सिंपल, ये स्लोगन का आइडिया इनका ही था। इस मुसीबत को घर में लाने में सबसे बड़ा हाथ तो रघु जी का ही है, क्यों जी? अरे सब लोग सारे इल्जाम मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो? ये मच्छर अगरबत्ती का जो नाम था वो आपने लिख के भेजा था ना वहां पर? जो हो गया सो हो गया, अब ये सोचो कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए। मेरे ख्याल से जैसे हमें किसी ने उल्लू बनाया है ना, वैसे ही हम भी किसी को उल्लू बनाते। तररम पम पम तररररररररर। हाँ तो बताओ ये गाड़ी में ऐसा खास बात क्या है? डिकरा? डिकरा? ये डिकरा क्या होता है? लगता है इनकी भाषा में खटारा को डिकरा बोलते हैं। ये अपनी गाड़ी की असलियत पहचान गए हैं। एक्चुअली ना ये गाड़ी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, ये हवा से बातें करती है और 6 घंटे में दिल्ली भी पहुंचा देती है। अच्छा, और नहीं तो क्या, एक शाम को मैं 8 बजे बैठ गया था इस गाड़ी में, रात को 2 बजे दिल्ली। लेकिन दिख रहा हम रात को 2 बजे दिल्ली पहुंच के क्या करेगा? नहीं नहीं, ये तो एग्जांपल दे रहे हैं, इनकी बात को दिल से मत लगाओ। ये बहुत अच्छी माइलेज देती है, 20 का माइलेज। ओह 20 का माइलेज, अच्छा। लेकिन अगर गाड़ी इतना अच्छा है तो तुम लोग काय को बेचते है दिख रहा? सेठ जी, मेरे पप्पा बहुत ही नेक दिल इंसान थे, इस गाड़ी में बैठकर न जाने उन्होंने कितने गरीबों का सर कुचला, मतलब भला किया। अरे अरे उन्होंने इतने गरीबों का भला किया कि वो खुद गरीब हो गए और चल बसे। पता है शेठ जी, पता आपको उन्होंने अपने वसीयत में क्या लिखा था? लिखा था, बच्चों मेरे जाने के बाद ये गाड़ी बेचकर गरीब बच्चों के लिए दारू का अड्डा बनाओ। मेरा मतलब है दारू के अड्डे क्लियर करके हटवा के वहां पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाओ, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाओ और बूढ़े लोगों के लिए सर छुपाने के लिए जगह बनाओ। सेठ जी, सेठ जी, क्या आप इस नेक काम में हमारी मदद नहीं करेंगे? बताइए ना सेठ जी। सेठ जी गए, ये पर्चा दे गए। दिख रहा आज तुमने हमारा आंख खोल दिया है। अरे मेरा भेजा खराब हो गया था जो अपने आराम के लिए कार खरीदने चला था, अब यही पैसा मैं उन गरीब बच्चों की पढ़ाई, अनाथ आश्रम और बूढ़ों के घर बनाने के लिए खर्चा करूंगा। मैं जाता हूं निकरा,
बाय बाय, टेक केयर। रघु अभी बहुत हो गया, प्लीज इस गाड़ी को ना मेरे नजरों के सामने से दूर लेके जाओ, जाओ इसे कहीं छोड़ आओ। अरे जाओ जाओ क्या होता है, मैं अकेला क्यों जाऊं इस गाड़ी को छोड़ने कहीं? क्योंकि स्लोगन तूने लिखा था। लेकिन रघु तुमने वो गाड़ी छोड़ी कहाँ? अरे मत पूछो यार, बैंड्रा के एक सुनसान बीच पर जहाँ पर हाई टाइड चल रहा था वहीं छोड़ दी, जहाँ पर हाई हाई लहरों में वो गाड़ी बिल्कुल उस फिल्म हाइटैनिक की तरह गुम हो जाएगी। हाइटैनिक नहीं टाइटैनिक। हाँ जो भी हो यार, रघु शुक्ला का घर यही है। जी हाँ, क्यों क्यों क्यों, बाद में सबसे पहले 500 रुपए निकालिए। 500 रुपए? अरे क्यों लेकिन बाबू मोशाय, किसी फिल्म का टिकट फाड़ के दे रहे हो क्या? नहीं बेबी मोशाय, आप लोगों की कार एक सुनसान रास्ते पर पड़ी हुई थी, उसको टो करके आप तक पहुंचाने का किराया है 500 रुपए। एक मिनट, पर्ची वाले अजनबी हमदर्द हवालदार भाई साहब, मेरी बात सुनिए, हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि वो गाड़ी हमारी नहीं है। नहीं है। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? सारा शहर जानता है कि वो कार आपको इनाम में मिली थी, ये देखिए उस कार के साथ आपकी तस्वीर भी छपी है। फोटो भी छपी हुई है, क्या कर रहे हैं? थी फोटो छपी थी? नहीं, कार थी, वो हमारी कार थी, लेकिन हमने उसे बेच दिया है। पता किसको बेच दिया है? तोलाराम घोरपड़े सांगले भोसले को बेच दिया। तो आप मुझे तोलाराम घोरपड़े सांगले भोसले का एड्रेस दीजिए। एक्सक्यूज मी। आप? जी हाँ मैं, मिस्टर रघु शुक्ला। वो कार कहाँ है जो हमने आपको इनाम में दी थी? वो कार इन्होंने तोलाराम घोरपड़े सांगले भोसले को बेच दी। बेच दी? वो कार आप लोगों ने बेच दी? आप लोगों को पता नहीं, इंडियन पीनल कोड की दफा 7992 के तहत अगर टीवी प्रोग्राम में जीता हुआ इनाम आप लोगों ने बेच दिया तो 2 साल की कैद या 1,00,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। और आप लोगों ने उसे बेच दी। मैंने नहीं बेची है, रघु साहब ने बेची है। अबे मेरे सर पे क्यों डाल रहा है तू? स्लोगन भी तो आपने लिखा था। नहीं, हाँ हाँ हमने वो कार बेची नहीं है, हम तो जोक जोक खेल रहे थे, रमता जोकी। दरअसल अभी ये अंकल उसे टो करके लाए हैं। मैं लेके आया। वेरी गुड। लाइए वो कार मुझे वापस दे दीजिए। क्यों? दरअसल में क्या था, हमें ये लग रहा था कि आप लोगों का जवाब हमें सबसे पहले मिला है, लेकिन आज ये हमारे जज के टेबल के ड्रॉर के अंदर एक लेटर मिला है जिसका रिसीव करने का वक्त आपके लेटर के रिसीव करने के वक्त से पहले का है। तो जाहिर है वो पहला इनाम आप लोगों को नहीं मिल सकता, कार किसी और को जाएगी। अरे ले जाइए, भगवान आपका भला करे, हमें अपनी मुसीबत दूसरों के सिर पर डालने में कोई एतराज नहीं है। कोई भी? एक मिनट, हमें एतराज है। उस कार का जो पेट्रोल है, उसके जो रिपेयरिंग के चार्जेस हैं, 20,000 रुपए का जो खर्चा है, वो कौन देगा हमें? हम नहीं दे सकते। आप नहीं दे सकते? आप नहीं देंगे तो हम लोग कंप्लेंट करेंगे, आपकी बदनामी करेंगे, राट करेंगे, हड़ताल करेंगे। उछलो मत। कंपनी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि उस कार के बारे में फाइनल डिसीजन हम लोग करेंगे, आप लोग नहीं। इसलिए चुपचाप वो कार वापस कर दो, वरना जबरदस्ती कार दबाने के चक्कर में तुम सबको अंदर करवा दूंगा। एक मिनट। हेलो, हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। पता है किसका फोन था? किसका फोन था? फाइटर। नहीं, फाइटर मच्छर अगरबत्ती वालों, उनकी कमेटी वालों ने अभी सारे स्लोगन्स पढ़े और आपका स्लोगन भी पढ़ा तो उन्हें आपका स्लोगन सबसे ज्यादा पसंद आया, इसलिए आप लोगों को एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री इनाम देना चाहते हैं। क्या? और इनाम है 1,01,000 रुपया। एक मिनट, ये ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, वो 1,01,000 रुपए का इनाम मैं रखूंगा, सिर्फ मैं। क्यों? जानी, क्योंकि वो स्लोगन मैंने लिखा था।